तो गूगल सीट की हमारी इस क्लास में, तो गूगल सीट की हमारी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने जाना कि गूगल सीट कैसे यूज करेंगे और किस तरह से हम डेटा सैंपल क्रिएट करेंगे और हम किस तरह से शेयर करेंगे जी। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे सबसे पहले कि गूगल सीट पे डेटा हम कैसे लेके जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक्सेल में डेटा है, अगर आपने गूगल सीट में अपने डेटा को तैयार कराया है तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है कि गूगल सीट में हम गूगल सीट में अपने डेटा को तैयार नहीं करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी एक्सेल में डेटा होता है, इस डेटा को गूगल सीट पे कैसे लेके जाए। जैसे सिंपल सी ये डेटा आप देख रहे हैं, मुझे इसको गूगल सीट पे ले जाना है। तो चलिए हम पहले, सबसे पहले तो हम गूगल सीट खोलेंगे। गूगल सीट खोलने के लिए हमें क्रोम खोलना होगा, तो हमने अपना क्रोम खोल लिया। क्रोम खोलने के बाद हम यहाँ ड्राइव खोलेंगे, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि गूगल ड्राइव में ही डेटा सारा जाता है, तो गूगल ड्राइव को हम खोल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी रिसेंटली हमारे पास एक्सेल सीट है, इसी सीट पे आते हैं जो कि हमने लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था। अब इसमें हमने सीट वन सीट हमारा हो चुका है, प्लस करेंगे तो यहाँ दूसरा सीट क्रिएट हो जाएगा। अब इस दूसरे सीट पे मैं अपना गूगल सीट का जो ये एक्सेल का जो डेटा है ले जाना चाहता हूँ, तो क्या कॉपी पेस्ट करने से चला जाएगा? चलिए देखते हैं। हमने कॉपी किया और हम यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट करने से डेटा इजीली आ गया। तो क्या कॉपी पेस्ट एक्सेल टू एक्सेल होगा? मान लीजिए डेटा मेरा नोट पैड में हुआ तो क्या? तो नोट पैड में हम डेटा लेके आते हैं, तो नोट पैड में डेटा है हमारा। अब इस नोट पैड के डेटा को हम कॉपी करते हैं और फिर वापस एक्सेल सीट में हम सिंपल सा पेस्ट करते हैं, तो नोट पैड का डेटा भी आ गया होगा। लेकिन आपका जो कॉमा सेपरेटेड फाइल जो सीएसवी फाइल होता है ना, उसको आपका ऐसे नहीं आएगा, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए कि हमने इस जो हमारा नोट पैड की जो फाइल होती है, एक फाइल तो आपका ये है टैब डिलीटेड है, दूसरा आपका कॉमा डिलीटेड होता है, मतलब कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में हमारा कॉमा गैप होता है। यस, एक रो से दूसरे रो के बीच में कॉमा गैप होता है, नहीं कॉलम रो वाइज होता है, कॉलम वाइज होता है, रो वाइज तो पैराग्राफ ही होता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, जस्ट उसको अपलोड कीजिए और अपलोड करने के बाद हाँ ओपन कर लीजिए, आपका ओपन हो जाता है। जल्दी आप जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले सिलेक्शन की। देखिए सिलेक्शन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीजन ए चाहे एक्सेल हो या गूगल सीट हो, बिना डेटा को सिलेक्ट किए हुए आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कुछ भी करना है नीड टू डेटा सिलेक्शन, आपको कॉपी करना है, आपको पेस्ट करना है, आपको फिल्टर लगाना है, पिवट लगाना है, चार्ट लगाना है, नीड टू सिलेक्शन। क्योंकि जो एरिया आप सिलेक्ट करेंगे उसी सिलेक्शन में वो मूव करेगा। तो सिलेक्शन कैसे करें? तो सिलेक्शन करने के लिए आप यहाँ पे एक कंट्रोल ए होता है उसको यूज कर सकते हैं, कंट्रोल ए। एक्सेल में इसको करेंट रीजन कहते हैं। लेकिन क्या अगर मैं यहाँ ब्लैंक रो कर दूं, एक पूरी की पूरी रो हमने राइट क्लिक किया इंसर्ट वन रो अबव कर दिया, तो क्या अब पूरा कंट्रोल ए वर्क करेगा? मैंने कंट्रोल ए किया, नहीं वर्क किया, नहीं किया सर, नहीं। तो कंट्रोल ए जो है वो कहाँ वर्क करता है? सीक्वेंस पे। हाँ, यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं 20 एक 20 वैल्यू टाइप कर देता हूँ और फिर कंट्रोल ए करता हूँ, देन सेलेक्ट हो जाएगा। यस ओके, ये आपका तब सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन सिंगल रो पे सिलेक्ट नहीं होगा। अगर सिंगल रो भी आपका ब्लैंक है तो सिलेक्ट नहीं होगा, नहीं। और इसको डिलीट करने के लिए आपको राइट क्लिक ही करना पड़ेगा, कंट्रोल माइनस एक्सेल वाला शॉर्टकट इस पे परफॉर्म नहीं करता।
तो कंट्रोल ए, अब दूसरी चीज है कि अगर आप एक बार कंट्रोल ए किया तो डेटा सेलेक्ट होगा, दो बार करेंगे तो क्या होगा, पूरी की पूरी एंटायर गूगल सीट सेलेक्ट हो जाएगी। तो सिलेक्शन करने के एक और तरीका है कि आप स्टार्टिंग पे क्लिक कर लें और क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले पे क्लिक कर लें, या सबसे लास्ट वाले पे क्लिक करें और ऊपर स्क्रॉल करके जाएं, शिफ्ट के साथ सबसे वाले फर्स्ट पे क्लिक कर लें, आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। होता क्या है कि इसमें कर्सर, अभी फिलहाल कर्सर हमारा E70 में है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ कर्सर मूव होता है, ठीक है, लेकिन शिफ्ट के साथ क्लिक करूंगा तो कर्सर मूव नहीं होगा, कर्सर सिलेक्ट करेगा। yes. यही इसने सिलेक्ट किया, राइट? Yes. तो सिलेक्ट करने का एक और तरीका मैं बताया, उसके बाद इसमें आपने जो कीबोर्ड का सिलेक्शन होता है शिफ्ट के साथ वो तो कर ही सकते हैं आप। yes. Yes. कर्सर मूव करने के लिए आपका जो है कीबोर्ड में आपको शिफ्ट और एरो की यूज करना होता है, ठीक है। yes. एक और तरीका होता है कर्सर को मूव करने का, मुझे सबसे लास्ट में जाना है तो आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो यूज करो, सबसे लास्ट में पहुंच जाओगे। yes. राइट अप लेफ्ट यूज करो, आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे। बट यहां पे एक छोटी सी और प्रॉब्लम है कि मुझे सिलेक्शन करते हुए जाना है, तो आप कंट्रोल डाउन एरो करेंगे तो आपको नॉर्मल चला जाएगा, अगर सिलेक्शन के साथ चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट, अभी मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन कर रहा हूं, डेटा पूरा सिलेक्ट हो गया। yes. लेकिन इसमें अगर कोई ब्लैंक हुआ तो कर्सर आपका ऊपर ही रह जाएगा। yes. और बहुत सारा ब्लैंक हुआ तो नीचे जाने में आपकी बहुत प्रॉब्लम होगी। Yes. तो नीचे आपको जाना है, बहुत सारा डेटा है, तो आप यहाँ से स्क्रॉल तो करते ही है ना सर। yes. लेकिन आप यहाँ तो दिख रहा है आपको, आप एक अंदाजा लगा लीजिए कि आपका डेटा कितना हो सकता है। उसे ज्यादा से मैं मान लीजिए कि मैंने लिख दिया ए 65,000, हमने क्या लिख दिया ए 65,000 टाइप किया। yes. और जैसे एंटर प्रेस करोगे कर्सर इनवैलिड, माफ कीजिएगा, एक्सेल में 65,000 होता है क्योंकि गूगल शीट में तो 1,000 है ना, फिर जब एंट्री करेंगे तो और 1,000 ऐड होगा, वो पूरा एक्सेल की तरह पहले से 10,00,000 रो नहीं निकल के देता है। yes. ठीक है, उसके बाद आप कंट्रोल अप कर दीजिए, ऊपर आ जाइएगा, मतलब सबसे नीचे चले जाइए और आप कंट्रोल अप करके ऊपर आ जाइए तो डेटा के लास्ट में पहुंच जाएंगे। एक और होता है यहाँ पे एंड मेथड, आप एंड की प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट में आ जाएंगे, आ गए, लेकिन सबसे लास्ट में कहाँ आ गए, उस रो के, जैसे मैंने यहाँ पे, तो अब एंड में रो मतलब कि वो सबसे लास्ट में जेड तक चला गया, ऐसा नहीं कि आपका डेटा तक गया है, डेटा नहीं गया आपका। हाँ, कंट्रोल एंड करते हैं, कंट्रोल एंड तो आप सबसे नीचे 1,000 वाले पहुंच जाएंगे। ऐसे आप अप, इसके बाद कंट्रोल अप कीजिए, होम सॉरी, तो स्टार्टिंग में आएंगे, तो एंड होता है कि सबसे लास्ट में जाता है, लेकिन एक्सेल में ऐसा, एक्सेल में क्या होता है कि सबसे लास्ट में जाने के लिए वो आपके डेटा के सबसे लास्ट में, यूज्ड सेल के सबसे लास्ट में जाता है, डेटा में जाता है, सीट में जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सीट में जाता है। हाँ, ये आपका सीट के सबसे लास्ट में पहुंच जाता है। यस, ठीक है, क्लियर सर? यस सर। लेकिन आप मान लीजिए कि आप लास्ट में चले गए और यहां आप कर्सर रखे, अब यहां पे कंट्रोल शिफ्ट होम प्रेस कर दें, तो कंट्रोल एक्शन में कंट्रोल शिफ्ट होम प्रेस करने से आपका डेटा सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन यहां पे नहीं होता है सर। यहां पे आप, मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड लेके जा सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट होम लेके जा सकते हैं, तो इसमें सिलेक्शन वही है, कंट्रोल शिफ्ट एरो किससे करें या कंट्रोल ए कर लें या माउस से सिलेक्शन कर लें, तो सिलेक्शन में इतना ही यहां पे होता है। लेकिन यहां पे एक चीज और है कि मैं यहां कंट्रोल प्रेस करके कहीं जहां मर्जी सिलेक्ट कर सकता हूं इस तरह से, ठीक है, तो मुझे कुछ कुछ सेल पे वर्क करना है तो मैं कुछ कुछ सेल को इस तरह से यहां सिलेक्ट करूंगा, जहां पे क्लिक करूंगा वो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कॉपी की बात करें तो ये कॉपी नहीं करेगा, कॉपी जस्ट आपका लास्ट कब करेगा।
दिख रहा है सर? यस सर। एक्सेल भी सेम होता है, एक्सेल तो कॉपी अलाउ ही नहीं करता है, लेकिन ये तो सिर्फ दो कर रहा है कॉपी। लेकिन अगर आप सीक्वेंस में सिलेक्ट करें इसी इस तरह से, तब अगर कॉपी करते हैं तब सारा कॉपी हो रहा है, हो रहा है सर? यस सर। अब इसको कहीं भी पेस्ट करें, यहाँ पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो सिक्वेंस भी पेस्ट हुआ। तो कहने का मतलब है जब आप कॉपी करेंगे तो एक सिक्वेंस में करेंगे, मतलब कि कंट्रोल प्रेस किया तो एक ही कॉलम में आप इसे सिलेक्ट करें तो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने इसको सिलेक्ट, मतलब ए इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, और के कॉलम में मैंने नीचे वाले को सिलेक्ट कर लिया, तो अब आपका सिर्फ के कॉलम कॉपी होगा, बाकी कॉपी नहीं होगा। या फिर आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे आपने दो सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ भी आपको कॉपी जो होगा लास्ट के दो होंगे, बाकी कॉपी नहीं। तो इसका ध्यान मल्टीपल सिलेक्शन में आप रखिएगा। उसी तरह से मल्टीपल शीट होती है कि अगर आपने बहुत कई सारे शीट इंसर्ट किए हुए हैं तो कंट्रोल शिफ्ट दबा के उन शीट पे सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन करने से फायदा क्या होगा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो चलिए मैं कुछ शीट इंसर्ट करता हूँ। अब मुझे क्या है कि शीट टू ने शीट थ्री से शीट एट तक ए वन पे आज की डेट डाल ली है। yes. तो एक पे डाल के एक एक करेंगे, उसे शिफ्ट के साथ हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया, पूरा सिलेक्ट है। मैं यहाँ पे आज की डेट डाल देता हूँ, डेट डाल दिया, एंटर प्रेस किया, एक मिनट, शिफ्ट के साथ तीनों सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ नहीं, इसमें आप सिलेक्ट करके इकट्ठा कुछ नहीं कर सकते, एक्सेल में कर सकते बट इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आप सिलेक्ट कर सिलेक्ट करेंगे, हाँ एक मिनट, सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते सर। हाँ, सिलेक्ट करने के बाद इकट्ठा सीट के ऊपर जो करना है करें, जैसे राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट करना है, डिलीट करना है, चेंज कलर करना है, सबको इकट्ठा में रेड कर दिया तो सारा कलर देखिए रेड हो गया, हो गया ना सर? ये चीजें कर सकते हैं, बाकी सीट के अंदर किसी तरह की चेंजिंग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। डिलीट करना है, सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक एंड डिलीट, ये आपका डिलीट हो गया। अभी हमने आपको बहुत सारे शॉर्टकट समझाए, अब क्वेश्चन यह आता है कि सारे शॉर्टकट्स आपको याद होंगे या फिर एक्सेल के आपके गूगल सीट के सारे शॉर्टकट मिले हैं कहां पे? तो देखिए इसमें हेल्प है, एक्सेल में भी हेल्प होता है, यहाँ भी हेल्प है। तो कुछ तो टॉप के सर्च आपको यहाँ दिख रहा है, अदरवाइज यहाँ पे आप सर्च कर ले शॉर्टकट, सीधा कीबोर्ड शॉर्टकट दिख रहा है। yes. तो इसका शॉर्टकट भी ये भी है, कंट्रोल और ये जो आपका बैक स्लैश होता है, इसमें क्लिक करते हुए आपके सारे शॉर्टकट दिख जाएंगे, दिख रहा है सर? yes, sir. और अलग अलग कैटेगरीज है कि मेनूज के क्या होने चाहिए, फॉर्मेटिंग के क्या होने चाहिए, तो यहाँ पे पूरा मतलब इकट्ठे सब दिखेगा आपको। yes. डेटा का क्या होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सबको कॉपी करके आप एक जगह पर रख लीजिए जहां आप इसका यूज कर सके चाहते हैं। yes. ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की, क्योंकि आपकी इसकी लिमिट भी तो पता होनी चाहिए। yes. तो क्या लिमिट सर्च करने से आ जाता है? लिमिट लिमिट्स मैं इस पे एंटर प्रेस करता हूं, मैं यहां लिमिट नहीं है, यहाँ पे स्टॉप लिमिट आता है ना, स्टॉप शेयरिंग फाइल लिमिटेड, यहाँ पे लिमिट्स योर फाइल आर शेयर्ड, इकट्ठा पूरा लिमिट्स नहीं आता है। जी जी, एक्सेल में से पूरा आ जाता है बट यहाँ पे नहीं आता है।
हाँ ये रहा आगे, माफ कीजिएगा, गलत हमने सेलेक्ट किया था, लिमिट किया था, लिमिटेशन, लिमिटेशन गूगल सीट लिमिटेशन आ गया। यस यस, यहाँ पे आपको सारे लिमिट्स मिल जाएंगे पूरे। अब इस वाले लिमिट्स को आप जो है क्या करें कि पढ़ लें, टोटल कितने लिमिट्स है ये पूरा है आपके यहाँ सिस्टम में दिया हुआ, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इसको स्टडी कर लेना है। yes. इसे कोई खास नहीं है लिमिट में, ये हमने सीट लिमिट पे क्लिक कर लिया। ये अलग लिमिट्स है, यहाँ से बुक को भी ले सकते हैं, बुक बुक भी है नॉर्मल। यहाँ पे देखिए क्या है, अप टू फाइव यहाँ पे लिखा हुआ है, अप टू 5 मिलियन सेल्स स्प्रेडशीट दैट क्रिएटेड द कन्वर्टेड गूगल सीट। अब यहाँ पे आता है आप 40,000 रो ही ले सकते हैं, नहीं न्यू रो एट ए टाइम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलन आपका जो 18,278 है, नंबर ऑफ टैब 200 सीट पर बुक है, ठीक है। 100 गूगल फाइनेंस फॉर्मूले हैं, इंपोर्ट रेंज ये आता है आपका 50 क्रॉस द बुक, इंपोर्ट डेटा आप जो है HTML फीड XML 50 फंक्शंस एक्सटर्नल ले सकते हैं, और मैक्सिमम लेंथ जो है 50,000 करेक्टर एक सेल में आप डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। yes. ठीक है। ये आपका हेल्प एंड सपोर्ट है, इससे आप बुक वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने गूगल सीट की लिमिटेशंस और डेटा सिलेक्शन के बारे में जाना, राइट जी जी। अब कल से हम मेनू के हिसाब से चलेंगे, कल से हम फाइल मेनू बार को चलेंगे, एडिटिंग चलेंगे, व्यू चलेंगे, तो कल से इसको चलेंगे, ठीक है। yes. कोई डाउट इसमें? नो सर। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जी सर।